दो साल के बैन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स 10 अप्रैल को अपने होम क्राउड के सामने मैच खेलने उतरी। खेल 2018 के इस पांचवें मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। धोनी का ये फैसला गलत साबित हुआ और केकेआर के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। पावर प्ले में टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना दिए। क्रिस लिन, रॉबिन उथप्पा और दिनेश कार्तिक ने 22, 29 और 26 रन बनाए, लेकिन आखिरी ओवरों में एंड्रे रसेल ने चेन्नई की गेंदबाजों की जमकर खबर ली। रसेल के 88 रन की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स 202 बना पाया। रसेल के इस इनिंग्स में 11 छक्के शामिल थे और कार्तिक का पार्टनरशिप 76 रन का था। जवाब में सीएसके की ओर से वॉटसन और राइडो ने टीम को एक अच्छी मजबूत शुरुआत दी। वॉटसन ने 29 बॉल्स पर 42 तो राइडो ने 26 बॉल्स पर 39 बना दिए। 5.5 ओवर्स में सीएसके का स्कोर 75 तक पहुंच गया था। पावर प्ले के बाद उनका स्कोर 75-1 था। चेन्नई के स्टार प्लेयर सुरेश रैना थोड़ी दिक्कत में दिखाई दिए और 14 रन बनाकर चलते बने। टीम के कप्तान धोनी भी कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने 18 गेंदों 25 रन बनाए। दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सैम बिलिंग्स ने एक अच्छी पारी खेली, उन्होंने 21 गेंदों पर 50 पूरा कर दिया, लेकिन 56 रनों के स्कोर पर वो आउट हो गए। आखिरी ओवर में 17 रनों की जरूरत थी और जडेजा और ब्रावो क्रीज पर थे। विनय कुमार की पहली गेंद नो बॉल थी जिस पर ब्रावो ने छक्का जड़ दिया। आखिर में जडेजा ने एक छक्का मारकर सीएसके को मैच जिता दिया। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सैम बिलिंग्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो फ्रेंड्स, आपके हिसाब से ये मैच कैसा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।